मैं मीरा सतपथी हूँ, फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सुकारिया विच इज़ एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? किस विषय पर आज कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या उद्देश्य है, न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेकर रखी है, उसके बारे में? आज की कॉन्फ्रेंस की मेन उद्देश्य जो है वो टैकलिंग एनीमिया, मैल न्यूट्रिशन और फूड सिस्टम, इसके बारे में रखी गई है। और ये सब्जेक्ट मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर से आज की डेट में बहुत मायने रखता है, और क्योंकि ये सारा चीज़ न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, मेटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड केयर और हमारी जिस तरह से एनवायरनमेंट बदल रहे हैं उसकी जो जिस तरीके से फूड सिस्टम इफ़ेक्ट हो रहा है उसके साथ ये सारे कनेक्टेड है। इसकी नतीजा जो है दो दिन के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि यही काम, यही नतीजा हम अपने बेनिफिशियरी के पास पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से देश के एक्सपर्ट्स इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं? USA और उसके बाद नीदरलैंड्स हैं, बांग्लादेश, मलेशिया और नेपाल, इनके एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है एनीमिया के ऊपर, इसके बारे में बताइए। आप तो जानते होंगे एनीमिया का स्थिति भारतवर्ष में गंभीर है। ये भारत, सिर्फ भारतवर्ष नहीं, सारा विश्व में भी ये स्थिति गंभीर है। एनीमिया आज का दिन में भारत में मोर देन 50% जो महिला शिशु एनीमिया से प्रभावित है। एक एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 70% 80% महिला शिशु भी एनीमिक है, और जो ट्राइबल होते हैं, जो आदिवासी, इनसे एनीमिया जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा भी है। सो एनीमिया एक गंभीर है। हमें एनीमिया का वजह से बहुत सारा नुकसानी होता है। एक तो होता है प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है एनीमिया का वजह से, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बोलते हैं, जो देश का उन्नति प्रगति, इसमें भी इसका असर पड़ता है, और कॉग्निटिव पोटेंशियल जो IQ के लिए भी असर पड़ता है। एनीमिया, माँ एनीमिक होगा तो इसका असर बच्चा का ऊपर पड़ेगा। सो बर्थ आउटकम में भी एनीमिया असर पड़ता है, और एनीमिया जो है इसका कारण कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड भी है, कुछ नॉन न्यूट्रिशन रिलेटेड है। जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो कारण है, कुछ माइक्रो आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो। इसका अलावा कुछ नॉन न्यूट्रिशन कॉजेस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कुछ जेनेटिक फैक्टर, इसका अलावा मलेरिया का वजह से भी एनीमिया बढ़ता है। सो एनीमिया बहुत स्थिति गंभीर है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 हुआ, ये 5 साल में एनीमिया बढ़ गया भारत में। आपने बताया कि एनीमिया लगातार बढ़ता, कई संस्थान इसके ऊपर काम कर रही हैं, हेल्थ चेकअप भी लगाए जाते हैं, कितने और एफर्ट्स की ज़रूरत है? देखिए, जो संस्था का बारे में आपने बोला, मैं सुकरिया का बारे में बताना चाहता हूँ। सुकरिया एक पर्पज ड्रिवेन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम अभी दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में चल रहा है, स्लम में चल रहा है, रूरल एरिया में चल रहा है। सुकरिया आज का दिन में कम से कम 7 मिलियन महिला और शिशु का साथ काम कर रहे हैं, 760 विलेजेस में, 190 स्लम में। इसका ये सुकरिया जो काम कर रहा है, ये सरकार का साथ काम मिलके काम कर रहे हैं, और कम्युनिटी जो समुदाय का साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, पंचायत का साथ मिलके काम कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ मिलके काम कर रहा है। इसका असर पड़ रहा है। जैसे आज का दिन में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने सुना होगा, कुछ वॉलंटियर महिला और पंचायत का सरपंच आज बोल रहे थे कि एनीमिया का, सुकरिया का वजह से हीमोग्लोबिन स्तर पर बढ़ा और महिला को अच्छा बच्चा पैदा हुआ और बहुत सारा अच्छा चीज़ हुआ। और इस काम को सरकार भी प्रशंसा कर रहे हैं आज का दिन में। तो सुकरिया जैसा बहुत सारा संस्था काम कर रहे हैं। और मैं दो चीज़ सरकार का तरफ से बताना चाहता हूँ। सरकार ने, भारत सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया 2018 में, विच वॉज सेप्ड बाई द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। पोषण अभियान में जो टारगेट है महिला एवं शिशु में एनीमिया, हर साल में मिनिमम 3% रिडक्शन करेंगे। और पोषण अभियान जब 2018 में लॉन्च हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी का द्वारा, इसका बाद एनीमिया मुक्त भारत भी लॉन्च हुआ।
ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुकरिया और बहुत सारा संस्था ये पोषण अभियान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एनीमिया मुक्त भारत के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में सुकरिया क्या और भी राज्यों में इस तरीके से काम करने वाले हैं? हाँ, वो सुकरिया का भी प्रयास है। सुकरिया मेरा मैं मानता हूँ, सुकरिया बिलीव करता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल बट बिग इज नेसेसरी। सो आप पायलट स्तर पर ये जो तीन राज्यों में काम कर रहे हैं इसमें तो असर आया और ये हमारे लिए सुकरिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। सुकरिया भी दूसरे राज्य में सरकार का साथ और डेवलपमेंट पार्टनर का साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।